नेक्स्ट जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। क्या कहता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर? ये बहुत इजी सा कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है कि जब आप एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं या फिर एक आप एक इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, सो आपको काफी सारी एक्टिविटीज क्या करनी पड़ेगी, परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आपको मैंने कहा कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है, मैं आपको कह रही हूं कि आपको घर बनाना है, ठीक है, आपको घर को कंस्ट्रक्ट करना है। घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहली बात तो मिस्त्री चाहिए जो इस घर को बनाएगा। अच्छा, मिस्त्री अकेला थोड़ी ना बनाएगा, उसको लेबर भी चाहिए 10 से 15, है ना। अच्छा, मैंने कहा कि चलो ठीक है, मेरे पास मैन पावर तो आ गई है, अब इससे इससे काम चल जाएगा? नहीं चलेगा ना। ठीक है, मैंने क्या कहा कि मेरे को सारे के सारे ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं इनके, ठीक है, जो भी औजार होते हैं उनके, ठीक है, हथियार नहीं कहूँ ना, औजार होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होगी, और रॉ मटेरियल है जैसे कि सीमेंट हो गया, ईंट हो गया, क्रशर हो गया, बजरी हो गया, इन सब की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इन सब के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, हमारे पास क्या बनने के तैयार होने वाला है? घर बन के तैयार होने वाला है, राइट। घर में क्या क्या चीज़ें लगेंगी? पहली बात तो घर तैयार होगा। घर ऐसे ही तैयार नहीं होता, उसमें फैसिलिटीज़ भी होती है। आपको विंडो भी चाहिए, आपको डोर भी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी की फिटिंग भी चाहिए, इन सब की चीज़ें चाहिए। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इस काम को डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो, आप मिस्त्री जो है ये अकेला काम तो नहीं करेगा, इसको क्या किया, एक व्यक्ति को तो, दो व्यक्ति को तो क्या किया, ईंटें यहाँ से उधर, इधर से उधर लेके आने के लिए रख दिया। दो व्यक्तियों को मसाला जो होता है वो तैयार करने के लिए रख दिया। दो व्यक्तियों क्या कर दिया, उनको डिलीवर करने के लिए रख दिया। अच्छा, एक मिस्त्री से काम नहीं चलेगा, दो मिस्त्री चाहिए मुझे, है ना। तो छह व्यक्ति इधर काम करेंगे, छह व्यक्ति सेम इसी तरह से प्रोसेस में छह व्यक्ति यहाँ काम करने वाले हैं, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, काम को हमने क्या कर दिया, बांट दिया है। क्योंकि एक व्यक्ति पूरे काम को अकेला नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसको काफी, मैं कहूँगी एक ही व्यक्ति इस घर को बना रहा है। सो यहाँ पर मेरे को लग रहा है 3-4 साल आराम से लग जाएंगे, बट यहाँ पे मैंने कितने व्यक्ति लगा दिए, 14 व्यक्ति लगा दिए। एक मिस्त्री यहाँ पर है, एक मिस्त्री यहाँ पर है, 6 वर्कर यहाँ है, 6 वर्कर यहाँ पे है। तो देखो, यहाँ पर इस पूरे मेरे को पूरा घर बनाना है, तो इस पूरे घर को बनाने में मेरे को 14 व्यक्ति चाहिए। मैंने इस 14 व्यक्तियों में इन सारे कामों को मैंने क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। दैट्स इज अ ब्रॉक वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। क्या है कि एक मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट है। आप देखो, घर बनाना भी तो एक प्रोजेक्ट है ना, है ना। एक ऐसा टूल है जो कि हेल्प करता है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्या कर देता है, तोड़ देता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम छोटे छोटे पार्ट्स में इन सब को तोड़ते हैं तो नेक्स्ट पर्सन को क्या हो रहा है, काम डिलीवर हो रहा है ना। सो दैट्स अ रीजन ये डिलीवरेबल ओरिएंटेड ब्रेकडाउन ऑफ अ प्रोजेक्ट है। इसे हम डिलीवरेबल ओरिएंटेड प्रोजेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, इट इज अ विजुअल ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट डिलीवर इन टू द डिफरेंट लेवल बेस्ड ऑन द डिपेंडेंसी। ठीक है, इसका मेन पर्पस पता क्या होता है कि जो आपका इतना हार्ड वर्क है ना, उसको क्या किया है, स्मॉल स्मॉल टास्क में डिलीवर कर दिया है। दैट्स इट। ठीक है, विजुअलाइज करना कि प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड डिपेंडेंसी किसको क्या काम दिया गया। अब मैंने कहा कि यहाँ पर जो व्यक्ति है ना, इसको तो मैंने क्या किया है, एक सेकेंड, इसको मैंने क्या किया है, जो आपकी जितनी भी ये जो ईंटें हैं इनको इधर से उधर काम देने के लिए इनको भी यहाँ रखा मैंने। अच्छा, नेक्स्ट को मसाला, इनको भी मसाला बनाने के लिए रखा है, इनको मसाला को डिलीवर करने के लिए रखा है। सो मेरे को ये पता है कि मैंने इसको ये काम दिया, मैंने इसको ये काम दिया, ये व्यक्ति यहाँ पे, ये व्यक्ति यहाँ, मेरे को प्रॉपरली नजर आ रहा है ना कि कौन किसकी क्या डिपेंडेंसी है। मेरा जो स्ट्रक्चर है मेरे को इजिली इसमें देख के समझ में आ रहा है। ठीक है जी, हमारा जो टीम मेंबर है वो प्रोवाइड हो रहा है, हमें क्लियरली ओवरव्यू हो रहा है कि कैसे काम हो रहा है, कोई खाली तो नहीं बैठा, कोई खाली बैठा तो उनको क्या करना, काम देना। दैट्स इट, समझ में आ रहा है। एक हायरार्किकल एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने काम को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है, आपने आई होप पहले भी देखा होगा कि जो प्रोजेक्ट जो है, एक हमारा प्रोग्राम है, इस यहाँ पे प्रोग्राम में सबसे पहले लाइन 1 है, ठीक है, फिर ये आ जाती है लाइन 2, फिर आ जाती है लाइन 3, लाइन 4, लाइन 5। ये एक काम है, बांट दिया गया है। ठीक है, फिर ये इसमें बांट दिया है, ये इसके अंदर बांट दिया है, इनके फिर दो पार्ट्स हो गए, ये नीचे की ओर जा रहा है। सो ये क्या बन रहा है, हायरार्की में चल रहे काम को बांटा जा रहा है, काम को सिंपल बनाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स काम को सिंपल बनाया जा रहा है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा जी, इसको काम को बांटने बांटने से काम नहीं चलेगा, फिर एक आ जाता है कंसेप्ट, यहीं से ऑर्गेनाइज हो जाता है कि लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट क्या होता है। मीन्स कि जो आपने काम दिया है इनको कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, इस काम को कंप्लीट करने के लिए उनके पास राइट तो होने चाहिए ना, उनके पास पावर तो होनी चाहिए ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने काम को तो बांट दिया, अब फाइनली जो काम बांटा है क्या उन्होंने वो कंप्लीट किया है या नहीं किया, उसके लिए वो जवाबदेही तो होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। तो यहाँ पर देखा जाता है लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट का मतलब क्या है कि ये भी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ही टूल है, जहाँ पर हम हर एक पर्सन के रोल को, हर एक पर्सन के रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इंडिविजुअल हो या ग्रुप में हो, उन सब के डिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है, इसे हम RAIC के कंसेप्ट से भी जानते हैं। RAIC का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी एंड कंसल्टेटेड एंड द इन्फॉर्म्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जो जिस पर्सन को काम सौंपा गया है उसका ये दायित्व है कि वो उसको कंप्लीट करे। द पर्सन और द रोल हु परफॉर्म द वर्क, जिसको ये वर्क को क्या करना है, परफॉर्म करना है, इस वर्क का टास्क को कंप्लीट करना है, उसकी क्या हो जाएगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, काम तो दे दिया, अब उन्होंने पूरा किया है या नहीं किया, अब आ जाती है जवाबदेही की बात, मीन्स की अकाउंटेबिलिटी, आंसर करना है, मीन्स की हु इज द अल्टीमेटली आंसरेबल फॉर द करेक्ट एंड थ्रू द कंप्लीशन ऑफ द डिलीवरेबल और द टास्क। जो टास्क आपको दिया था आपने वो काम किया है या नहीं किया, उसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अच्छा, कंसल्टेंट का मतलब क्या आता है, कंसल्टेंट का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई ओपिनियन चाहिए, अगर आपको कोई मतलब आइडिया चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे पर्सन से कंसल्ट करना पड़ेगा, एक ऐसे पर्सन से मिलना पड़ेगा जो कि उसमें एक्सपर्ट होगा, है ना। अब आपको दिक्कत है, आपने अपनी दिक्कत बताई, ये अपना एक्सपर्ट ओपिनियन बताएगा, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। कंसल्टेड पर्सन का वो पर्सन होता है जो कि आपको ओपिनियन कर देता है, आपको प्रोवाइड करता है, दैट्स द रीजन ये क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, अच्छा, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखो ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन नीचे की ओर जा रही है, वर्कलोड नीचे की ओर जा रहा है, तो ये वर्कलोड क्या है कि आपका जो इन्फॉर्म किया जा रहा है कि आपको ये काम करना है, आपको वो काम करना है, ये आपका वन वे कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और आप सभी के सभी कस्टमर्स को, सॉरी टीम मेंबर्स जितने भी हैं, उन सब को क्या किया जाएगा, एक अप टू डेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला दूँ, वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम्स को मिला दूँ, लीनियर रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ट को मिला दूँ, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उनके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी ये पर्सन है, एक के अंदर आपको स्कोप दिखाया गया, ठीक है, एक के अंदर आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड की, स्कोप में क्या क्या कि आपको इतना काम करना है बस, और उस काम करने के लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारी रहने वाली है और उस काम की अकाउंटेबिलिटी रहने वाली है, वो LARC में दिखाया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्या है, एनहांसमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। एनहांसमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, उसकी जो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस है वो एनहांस हो रही है, क्योंकि दोनों चीज़ को कंबाइन करके वो चल रहा है। सो हर एक चीज़ क्लियर कट है, सबको पता है कि कहाँ ऐसा क्या काम होना चाहिए, है ना, सबको ये पता है कि उसकी इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई डिनाई नहीं करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था, भाई बताया तुम्हें तो था, है ना, तो समझ पा रहे हो। ठीक है जी, नेक्स्ट जाता है इम्प्रूव द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग को ये, और जो हमने प्लान किया है और जो फाइनली हमने एग्जीक्यूट किया है, उनके अंदर भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि मेन बात यही है कि सभी चीज़ क्लियर कट है, आइडेंटिफाई हो रही है, सभी टास्क हम इजीली देख पा रहे हैं कि हाँ इसको ये काम परफॉर्म किया गया, इसको ये काम, मैंने कहा कि ये राम है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक और राम रहे, ठीक है, दो राम हैं, तो हमने क्या किया है, इसको राम ग्रुप वन रख दिया, इसको राम ग्रुप टू रख दिया। सो हम जब भी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि राम ग्रुप टू का पर्सन की कैसी परफॉर्मेंस है, राम टू वन ग्रुप की कैसी परफॉर्मेंस है, सो ईजिली हमें आइडेंटिफाई हो जाती है, तो प्लानिंग करने में, एग्जीक्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं, रिसोर्सेज भी एलोकेट हो जाते हैं, हम मॉनिटर भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि अच्छे से हमें ऑन द स्पॉट दिखाई दे रहा है, ओवरव्यू कर पा रहे हैं, ये जो मैंने चार्ट बनाया था वर्कर्स का, ये सभी चीज़ें नज़र आ रही हैं, हम इजिली इनको देख सकते हैं। क्लियर है, रिस्क जितने भी होते हैं वो मिनिमाइज हो सकते हैं,
ठीक है, ये रीजन तब ये तभी हो सकता है क्योंकि हमारे जो रोल है वो क्लियरली मेंशन होंगे और हम ओवरलैपिंग या फिर मैं कहूँ गैप को अवॉइड कर पाएंगे, और ये तभी होगा जब हमारे पास क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होगी। ये देखो आपके पास एक और चार्ट मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है, आपको एक और चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर ये हो गया चैप्टर फिनिश, आई होप ये चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। अगर आप ये चैप्टर की PDF लेना चाहते हैं तो ₹9 आपको पे करने होंगे, ठीक है। अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर ईमेल ID गिवन है, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टीम के साथ, और टीम आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आप इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। ओके चलिए।